ऐसे वे जहां मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है अब समय आ गया है लोगों के साथ उसको बांटने का। और ना जब आपके मन में कोई चीज की इच्छा जागृत हो जाती है ना, रास्ते अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इन 2 सालों में मेरी जर्नी शुरू हुई, किसके साथ शुरू हुई। 5 लोगों को लेके हमने जर्नी शुरू की थी और आज एक बहुत बहुत बड़ा परिवार बन गया है, बहुत बड़ा परिवार बन गया है। और ये कहते हैं ना, आप चलना शुरू करते हैं, लोग मिलते जाते हैं और कारवा बनता जाता है। जी हाँ, मैं भी एक बहुत खूबसूरत कारवे का हिस्सा बन गई हूँ और बहुत इस कारवे में हमारे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। और छोटी छोटी चीजें, हम ना बहुत बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं करते क्योंकि हम सब फैमिली पीपल है, हमको फैमिली में रहना, डे टू डे एक्टिविटी करनी है। हम कोई बहुत रिचुअलिस्टिक बड़ी बड़ी चीजें करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम सबको ऐसे रास्ते चाहिए जो हम अपने डे टू डे लाइफ के साथ करके अपने जीवन में कुछ सुखद चेंजेस ला सके। तो हमारी और अध्यात्मराज टीम की यही कोशिश रहती है कि हम ऐसे कोर्सेज लाए, ऐसी रेमेडीज लाए, ऐसी चीजें आपको बताएं जो कि आप इजीली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। मनी रेकी कोर्स जो चल रहा है, ये भी ऐसा ही एक कोर्स है कि छोटी छोटी चीजों को, मनी के बारे में सिर्फ अपनी एनर्जी को चेंज करके आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। पैसे की जरूरत तो हम सबको है। एनिमल टोटम भी हमारा वही कोर्स था कि हम कैसे सिर्फ एनिमल्स को इन्वोक करके, यानी कि याद करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। और आज का जो हमारा कोर्स है वो है स्वर विज्ञान। स्वर मतलब शब्द नहीं है, सारे गामा पाधा नहीं है। कई लोग सोचते हैं स्वर मतलब सारे गामा पाधा निशा, जी नहीं। स्वर को यानी कि संस्कृत का शब्द है, स्वर का मतलब होता है हमारी सांसें। अब लोग सोच रहे होंगे, भाई सांसों में नया सीखने की क्या बात है, हम तो पैदा ही सांसों के साथ होते हैं और सांसें लेना क्या हमें कोई सिखाता है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। हमें तो कोई सांस लेना नहीं सिखाता, ये तो हमारी ना, तो इसमें हम क्यों पैसे लगाएं इस कोर्स में, ऐसा क्या है इस कोर्स में। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। प्रीति जी, आप किस तरह से सांसें लेती हैं, जरा मुझे ये बताइए। सांसें कैसे लेती है पता ही नहीं चलता, सांस कब आती है कब जाती है। लेकिन हाँ, जब कभी हम कोई योगा करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, तब हम उसमें ध्यान लगाते हैं कि हमें सांस को होल्ड करना है, डीप ब्रीथ करनी है ना, तो तब ध्यान लगाते हैं। अदरवाइज तो सांसें आती हैं जाती हैं, किसी को क्या पता चलता है। अच्छा, यस राइट, हाँ, सांसें अपने आप ही आती है जाती है, ये प्रीति जी ने बहुत अच्छा कहा। प्रीति जी, सांसें कौन से, किस नाक से, दोनों नाक से कैसे आती है और कैसे जाती है, थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी। कभी तो लगता है कि लेफ्ट हमारा चलता है, जैसे मॉर्निंग होती है जब हम कभी नोटिस करते हैं, कभी हमको लगता है कि हमारा राइट ठीक चलता है, कभी हमको लगता है हमारा लेफ्ट ठीक चलता है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं। ग्रेट ग्रेट। तो देखिए, ये जो स्वर विज्ञान है ये आज की साइंस नहीं है, ये हजारों करोड़ों वर्ष पुराना साइंस है। जी हाँ, इसे हम साइंस कहते हैं, ये सिर्फ कोरी बातें नहीं है, ये साइंस है। स्वर विज्ञान इज अ कंप्लीट साइंस जो कि भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था और इसलिए इसका नाम पड़ा शिव स्वरोदय शास्त्र, यानी कि सांसों का शास्त्र, यानी कि साइंस। ये साइंस हमें क्या, ये साइंस धीरे धीरे खो गया था, लेकिन लास्ट कुछ ईयर से जैन मुनियों ने, जैन समाज ने इस साइंस के ऊपर बहुत रिसर्च किया और उन्होंने कोशिश की कि इस साइंस को फिर से लोगों तक, जन जन के बीच में पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक मिरेकुलस साइंस है। इसे डेस्टिनी कंट्रोलर भी कहते हैं, यानी कि ऐसा साइंस जो कि हमारी डेस्टिनी को, हमारी तकदीर को कंट्रोल करता है। अब सबके लिए ये बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि भाई सांसों द्वारा हम अपनी तकदीर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। पहले के जमाने में वो होता था ना, क्या कहते हैं, रामायण महाभारत में हमने देखा, आकाशवाणियां, राइट, अरे भीष्म तुम ये मत करो, तुम मर जाओगे, यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा, इससे शादी करोगे तो ये हो जाएगा। तो आज के जन्म में क्या आकाशवाणियां होती है समय में, जी नहीं, आकाशवाणियां नहीं होती, लेकिन हमारी सांसें हमें हमारे फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करती है।
आपको आप ये काम करना है कि नहीं, ये समय ठीक है कि नहीं, आप पंडितों पास मुहूर्त देखने जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको स्वर विज्ञान आ गया, आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी सांसों के द्वारा समझ सकते हैं कि ये काम मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, ये संबंध आया है मेरे बच्चे के लिए, ये ठीक है कि नहीं, ये डील आई है, तो अपनी सांसों को देख के आप समझ सकते हैं डील ठीक है कि नहीं। कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये भी आप अपनी सांसों से पकड़ सकते हैं। ये एक मिरेकुलस साइंस है और आपको इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सांसें तो हर वक्त आपके साथ है। सिर्फ आपको अपनी सांसों की भाषा को पढ़ना आना चाहिए। हमारी हर सांसें हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, कुछ ना कुछ इशारा करती है। ये सांसों द्वारा डिवाइन, ये नेचर हमको इशारा कर रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ इन सांसों को पढ़ना आना चाहिए। तो हमारी बॉडी में जैसे प्रीति जी ने कहा, कभी लगता है ये सांस चल रही है, कभी लगता है ये सांस चल रही है। वेरी ट्रू। जनरली लोग कहते हैं हम दोनों नाक से सांस लेते हैं, दोनों नाक से सांस छोड़ते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। रियल में क्या होता है, हम एक वक्त में एक ही नाक से सांस लेते हैं और उसी नाक से छोड़ते हैं। जिस नाक से, तो क्या कहते हैं, इससे नाक ले रहे इससे छोड़ रहे, इससे सांस ले रहे इससे छोड़ रहे, ऐसा नहीं होता। अगर मैं राइट से सांस ले रही हूं तो मेरा बॉडी उसको राइट से ही छोड़ेगा, अगर मैं लेफ्ट से सांस ले रही हूं तो मेरी बॉडी उसको लेफ्ट से ही छोड़ेगी। चलिए सबको एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए, अपने दोनों हाथ की दो उंगलियों को अपने नाक के नीचे रखिए और 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए, छोड़िए, जोर की लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सेल। सबको देखा, एक नाक पे हवा ज्यादा आ रही है एक अंगली पे, और एक अंगली में बिल्कुल हल्के से आ रही है, राइट। किसी का ये राइट होगा, किसी का लेफ्ट होगा, किसी को राइट उंगली में ज्यादा हवा लग रही होगी, किसी को लेफ्ट उंगली में लग रही होगी। हमारा कौन सा, इसको हम स्वर चलना कहते हैं, हमारा कौन सा साइड का स्वर चल रहा है, इसको फाइंड आउट करने के और भी बहुत तरीके हैं, जो कि हम अपने आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। आप पेपर से, आप कॉटन से, आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दो तरह, ये प्रैक्टिकली सबने देख लिया। परमजीत जी आपने देखा, समझ में आया? Yeah, nice, ma'am. Yes, yes, ma'am. पूरा पकड़ में आ रहा है ना कि एक नाक से सांस चल रही है। Thank you. Either it can be right, किसी का right हो सकता है, किसी का left हो सकता है। तो जिनकी right नाक से सांस आ रही है उसे हम कहते हैं सूर्य स्वर चलना। हम सब जानते हैं हमारी आधी बॉडी मेल होती है, आधी बॉडी फीमेल होती है ना। हम सब के अंदर शिव और शक्ति है, हम सबके अंदर इन एंड यन की एनर्जी है, यानी कि मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष, चंद्रमा एंड सूरज। तो हमारी आधी बॉडी जो है वो है मेल, जो कि हमारी राइट साइड की बॉडी होती है, और हमारा जो लेफ्ट साइड की बॉडी है वो है हमारी फीमेल। तो राइट साइड की जो मेल बॉडी है उसको हम सूर्य कहते हैं और लेफ्ट साइड की जो फीमेल बॉडी है उसे हम चंद्र कहते हैं। तो अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल, राइट नाक से सांस आ रही है तो इसे हम सूर्य स्वर कहेंगे, अगर आपकी लेफ्ट साइड से सांस आ रही है तो इसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। अब इन सांसों को, ठीक है चलिए आपने इन सांसों को तो समझ लिया, लेकिन इन सांसों का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? मेजर इफेक्ट। ये हमारे लाइफ को, हमारी हेल्थ को, हमारी डेस्टिनी को, हमारे डिसीजंस को, हमारे लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट्स को, सब चीज को कंट्रोल करते हैं। ये तो हमने दो नाक से दो सांसों की बात की। आपको पता है दिन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम दोनों नाक से एक बार में सांस लेते हैं, उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। ये हमारा सूर्य हुआ, ये हमारा चंद्र हुआ, लेकिन जब हम दोनों नाक से सांस लेते उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना कुछ सेकंड्स के लिए ही हमारी बॉडी में आती, लेकिन अगर आप सुषुम्ना में कोई भी काम करते हैं आपका एक्सीडेंट होने से, आपका नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सुषुम्ना स्वर में गाड़ी चालू करते हैं जरूर एक्सीडेंट होगा। अगर आप सुषुम्ना स्वर में कोई बिजनेस डील करते हैं 100% फेल होगा। अगर आप सुषुम्ना स्वर में कोई शादी ब्याह में गठबंधन करते हैं उस शादी को टूटने से कोई नहीं रोक सकता।
जी हाँ, इसीलिए हम इसको डेस्टिनी कंट्रोलर कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने के पहले अपनी नाड़ियों को चेक कर ले। अगर सुषमना है तो ये ईश्वर की तरफ से आपको मैसेज है, रुक जाओ। ये आकाशवाणी है ईश्वर की तरफ से, रुक जाओ, मत करो अभी। तो चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषमना। सुषमना में कोई भी अच्छा काम हमें नहीं करना है, अदरवाइज हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। कोई ना कोई उल्टे हमारा नुकसान ही होगा। लेकिन तो अब चंद्र और सूर्य में हमें क्या करना है? हम जो भोजन करते हैं, आजकल लोगों को एसिडिटी की आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा शिकायत है। नहीं, खाना खाया, कहते हल्की सी खिचड़ी खाई लेकिन गैस हो गया, खाना खाया पेट साफ नहीं हुआ, खिचड़ी भी पची नहीं पेट फूल गया। मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी हो जाती है। क्यों? रीजन क्या है? आप उसे सही स्वर में नहीं खा रहे हो। हमारी बॉडी इसी तरह से बनी है, हम सब जानते हैं हमारे पेट में अग्नि जलती है जिसमें भोजन पकता है, राइट? और वो अग्नि कब जलती है? जब हमारा सूर्य तत्व चलता है, सूर्य वाली राइट सांसें चलती है, सूर्य यानी कि तेज। तो आपकी बॉडी में सूर्य चलना शुरू हो गया, यानी पेट में अग्नि जलने शुरू हो गए। दैट इज द राइट टाइम टू ईट फूड। कहते हैं अगर आप सूर्य स्वर में भोजन करते हैं तो आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप चाहे तो जहर को भी पचा ले, आपको पत्थर हजम चूरन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सूर्य स्वर में खाना खाते हैं तो। और हम क्या होता है, बिना स्वर को चेक करे जब खाना खा लेते, यानी अगर हमने चंद्र स्वर में खाना खा लिया तो आप कुछ भी लाइट से लाइट चीज भी खा लीजिए वो नहीं पचेगी। खाना हमेशा सूर्य स्वर में खाना है। तो अब पानी कब पीना है? पानी क्या सूर्य स्वर में पीना है? जी नहीं, पानी यानी ठंडा, यानी कि चंद्र स्वर। पानी हमेशा चंद्र स्वर में पीना है। हम क्या होता है, खाने के साथ साथ पानी पीते हैं। तो एक लॉजिक अप्लाई कीजिए, खाना खा रहे हैं, पेट में आग जला के रखा है हमने, उस पे हमने पानी पी लिया, वो पानी कहाँ गया? आग पे चली गई, आग बुझ गई। तो अब वो खाना पचेगा कैसे? तो पानी पीना है चंद्र स्वर में, खाना सूर्य स्वर, पानी चंद्र स्वर, तभी वो भोजन पचेगा, तभी वो भोजन पचेगा। और आपको कोई भी डाइजेस्टिव और पेट के इश्यू से बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। यही रीजन है खाना नहीं पचने का प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में। हमारे स्टमक रिलेटेड हमको इश्यू होते हैं, हमको ग्लूकोज हाई होता है, लो होता है, शुगर, बीपी, सबका रीजन यही है। तो आपको चेक करना आना चाहिए कब हमारा सूर्य चल रहा है, कब हमारा चंद्र चल रहा है। उसी तरफ से हमको खाना खाना है, उसी तरह से पानी पीना है। अब लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा झंझट वाला काम है, जब भी क्या चंद्र चलेगा तभी मैं हर वक्त क्या मैं चेक करता रहूं कौन सा स्वर चल रहा है, ये तो बड़ा झंझट वाला काम है। शुरू में 2-4 दिन आपको प्रैक्टिस करने में लगेंगे, आपको समझने में लगेंगे कि ये कौन सा स्वर चल रहा है। फिर आपकी जो साइड, जब आपको इस स्वर समझ में आ, यानी कि जब आपकी इन स्वर पे पकड़ हो जाएगी, आपके बॉडी का वो हिस्सा अपने आप हैवी हो जाएगा। बिना स्वर को चेक किए आपको समझ में आ जाएगा आपका कौन सा स्वर चल रहा है, बिना आपको चेक किए समझ में आ जाएगा आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपकी बॉडी इतनी सिंक हो जाएगी इस टेक्निक से कि आपको जब भूख लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। जब आपको प्यास लगेगी आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली चंद्र स्वर चलना शुरू हो गया, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका स्वर शिफ्ट हो जाएगा। जब आपको भूख लगेगी अपने आप सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा, जब आपको प्यास लगेगी ऑटोमेटिकली आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद। यहाँ हम आपको कोई भी फॉल्स क्लेम या झूठी वो नहीं कर रहे हैं कि मैं 6 दिन के क्लास में आपको एक्सपर्ट बना दूंगी, जी नहीं। लोगों को डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कितना योगा प्राणायाम या फिजिकल वर्क करते हैं, उस हिसाब से ही आप इस पे महारत हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आप 5 दिन में सीख जाए, हो सकता है आपको 5 हफ्ते लग जाए, ये भी हो सकता है आपको 5 महीने लग जाए।
लेकिन ऐसा नहीं है इस कोर्स के बाद हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम ग्रुप में हमेशा बने रहेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी हम आपके साथ सदा बने रहेंगे, आपके सवालों का जवाब जितनी जल्दी हमारे लिए पॉसिबल होगा हम देंगे। हमारे पहले के भी जो ग्रुप्स हैं वो अभी तक ऑन है, हमने कभी भी अपने ग्रुप को डिलीट नहीं किया है ताकि लोगों के साथ, लोगों का साथ हमारा बना रहे। कहीं भी 5-6 दिन के कोर्स के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है हम पूरी उसको सॉल्व करेंगे। इस कोर्स में हम आपको पूरा पूरा PDF देंगे जो कि फुल हिंदी एंड इंग्लिश में है। आप जितना ज्यादा उसको पढ़ोगे आपके नॉलेज और क्लियर होती जाएगी। हमारे हर कोर्स की, हमारे हर क्लास की हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी ताकि आप उसको बार बार सुन के समझ के उसे प्रैक्टिस कर सके। ये सुनने में लग रहा है कैसे होगा, बट दिस इज समथिंग वेरी इजी। सिर्फ आपको देखना है कौन सी सांसें चल रही और कौन से सांस में क्या काम करना है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जिन लोगों का BP बहुत हाई रहता है, देख लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सूर्य स्वर चलता है। सूर्य यानी तेज, राइट? जिनका BP हाई का प्रॉब्लम है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, आप कभी भी चेक कर लीजिए उनका सूर्य स्वर ही ज्यादा चलता, तो उनको अपने सूर्य को कम करके चंद्र को चलाना है। जिनके बॉडी में बहुत पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हर वक्त सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी के इश्यूज होते हैं, उनका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है। चंद्र यानी ठंडा, ठंडा होने से बॉडी में ठंड बढ़ गई और ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ गई, तो उनको अपने चंद्र को कंट्रोल करके सूर्य को चलाना होता है। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सिर्फ हमें अपने स्वर को कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भागता हुआ घोड़ा है, उसकी लगाम हमारे हाथों में, हमें वो लगाम किस वक्त कौन सी लगाम खींचनी है नहीं पता, कैसे खींचनी है नहीं पता, तो हमें वो लगाम को खींचना है, किस वक्त कौन से लगाम को खींचना है, यही हम इस कोर्स में बताएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैडम, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक to bring this under control, because I don't do any exercise or pranayama, or I do nothing. So will it be very difficult for me? No, not at all. Not at all, Mr. Chatterjee. It will not be difficult at all. Within, agar aap practice karoge, to you can do it very easily. बट एज आई सेड, किसी लोग अगर आप प्राणायाम वगैरह नहीं भी करते हैं तो हो सकता है आप 4-5 दिन में भी आ जाए, हो सकता है आपको 10-12 दिन लगे प्रैक्टिस में, लेकिन हमारे पहले के हर कोर्स में लोगों ने बहुत बहुत जल्दी इसको हासिल कर लिया है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा शुरू में? मैं बता रहा हूँ, You are a novice, it's no issues, but if you are a novice, अगर आप दिन में 2-5 बार भी करते हैं प्रैक्टिस, the स्वर started changing. अच्छा अच्छा अच्छा, okay madam, fine. And स्वर चेंज करने का भी बहुत टेक्निक्स है जो हम सब बताएंगे, कई टेक्निक है जिनसे हम अपने, अगर आपका सूर्य चल रहा है आपको उसको चंद्र करना है, चंद्र कर चल रहा है तो उसको आपको सूर्य करना है, we will tell you the techniques, how you can change them. Okay, okay madam, thank you so much. Thank you. Yes. किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम, कितने दिन का कोर्स है आपका ये? 6 डे का कोर्स है प्रीति जी। ओके, एंड 1 आवर डेली? या 1 आवर, या या या। ओके, टाइमिंग? हम अभी सारी डिटेल शेयर कर लेंगे आपके साथ। ओके ओके, फाइन। किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ मैम। यस मैम, ये सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कैसा, लेफ्ट और राइट? जी, राइट, जब हम अपनी राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं ना, जब आप राइट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो वो राइट वाला है सूर्य स्वर। अच्छा, राइट वाला, राइट वाला हमारा सूर्य स्वर है। अच्छा, एंड लेफ्ट वाला हमारा चंद्र स्वर है। अच्छा, ये लेडीज जेंट्स दोनों के लिए सेम रहते हैं? सेम सेम, बच्चों का भी यही होता है। अच्छा, ओके ओके, बच्चों का भी यही होता है, लेडीज जेंट्स बूढ़े बच्चे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सांस तो हम लेकर पैदा होते हैं, सांस क्या भेदभाव करता है कि हमारे जेंडर के साथ? नहीं जी, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो बच्चे भी, एंड पता है आपको, छोटे बच्चे जिनके घर में, एक बार चेक कीजिए आप लोग, छोटे बच्चों की सांस पूरा स्वर विज्ञान के हिसाब से चलती है।
जब बच्चा भूख से रो रहा है आप चेक कीजिए उसका सूर्य स्वर चल रहा है, जब बच्चे को प्यास लगी उसका चंद्र स्वर चल रहा है। शुरू में हमारी बॉडी इसी तरह से चलती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हम इस साइंस को फॉलो नहीं करते, यानी कि हम अपनी सांसों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपने आप, वो कहते हैं ना गड़बड़ गड़बड़ सब होने शुरू हो जाती, तब हमारी सांसें मिक्स होना शुरू होता है, हम गलत सांस में गलत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को और भी जो हम करते हैं ना कि सूर्य में हमें ये करना है, चंद्र में वो करना है, पता है बाथरूम हम जाते हैं जब, तो यूरिन पास करने का और पॉटी पास करने का भी अलग अलग स्वर है, और छोटे बच्चे को जब आप देखेंगे ना वो उसी स्वर में वो काम करते, आपको देख के आश्चर्यचकित है कि ये इतना डीप साइंस है। बच्चा पैदा हो रहा है तो वो उसे लेकर आया है, लेकिन हम भूल गए हैं उसको, हमने उसको मिक्सअप कर दिया। अच्छा मेरा भी क्वेश्चन है जी राज जी। देखिए मैम, मेरे लिए भी बहुत एक नया विज्ञान है, सुना बहुत है इसके बारे में, लेकिन मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ तो मेरा भी हक बनता है क्वेश्चन पूछने का। बिल्कुल सर। और मैम मेरी आदत है कि सुबह सुबह उठ के गुनगुना पानी पीता हूँ मैं, उठते ही एकदम कहते हैं ना, उसके बाद हम आगे के क्रिया करते हैं। तो जब हम वो पानी पीते हैं गुनगुना पानी, तो हमें स्वर कौन सा होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए या चंद्र होना चाहिए? चंद्र। पानी ठंडा गर्म चिल्ड जो भी लिक्विड, मट्ठा पी रहे, छाछ पी रहे, दूध पी रहे, शरबत पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, चंद्र स्वर। अगर सूर्य चल रहा हो उस समय पेन चेंज करना सीखेंगे। अच्छा सीखाएंगे, अरे ग्रेट। एंड राजी, सुबह कौन से स्वर में उठना है ये दिन और तिथि के हिसाब पे डिपेंड करता है, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। सुबह किसी भी स्वर में उठ गए, अब आप कहते ना दिन में उठ के, अरे आज का दिन मेरा इतना बुरा गया, भगवान जाने आज किसका चेहरा देखा था, तो आपने किसी का चेहरा नहीं देखा, आप गलत स्वर में उड़ गए। हर दिन का एक अलग स्वर होता है, हर तिथि की अलग स्वर होता है। अगर हम उस डे वाइज उस स्वर में उठते हैं ना, आपका डे विल बी मैजिकल, आपका डे विल बी मिरेकुलस। तो हम जो मुहूर्त की बात कहते हैं, ये सारा कुछ हम सीखेंगे, हमें उठने से पहले स्वर चेक करना है। बिल्कुल, कौन सा स्वर चेक करना है और उसी स्वर के हिसाब से कौन सा पहला पैर उठा के हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है। ग्रेट मैडम, ग्रेट, ये नई चीज होगी। राज सर नमस्कार। सर आपकी आवाज से मैं पहचान गया था। ग्रेट, कैसे हैं आप? थैंक यू। गुड टू सी, बहुत पुराने लोग आ रहे हैं हमारे पास। यस। मैं मेन कंटेंट बताएंगे थोड़ा सा, क्या क्या है इस कोर्स में? हेलो, गुड इवनिंग राज सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हसमुख चेहरा देख के ना इतना खुशी, पॉजिटिविटी आ जाती है चेहरे पे ना। हम ये बड़ा अच्छा लगता है, आप नई नई चीजें लाते हैं, मैडम से तो कनेक्टेड है, बड़ा मजा आता है इनके साथ। मेरे को तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, देखो ना मेरे को कितनी चीजें सीखने को मिल रही है। सच में बहुत सीखने मिलता है। जी जी जी, जरूर जरूर। मैम थोड़ा सा कंटेंट बताएंगे आप, क्या क्या है 6 दिन के कोर्स में? हम इसमें आपको कवर कराएंगे, 3 स्वर होते हैं, सूर्य चंद्र सुषमना, तीनों स्वर को हम कैसे पहचाने, किस स्वर में हमें क्या करना है, स्वरों को हम अपने हिसाब से कैसे चेंज कर ले। जैसे राज जी ने कहा सुबह उठे हैं पानी पीना, अगर सूर्य चल रहा है तो मैं क्या करूं, तो ऐसा तो नहीं है बिना पानी पिए बैठे रहोगे। आपको जब दिन में कभी बहुत भूख लग रही है और आप देख रहे हैं आपका चंद्र ही चल रहा है, तो क्या बिना खाए बैठे रहोगे? तो वी विल लर्न हाउ टू चेंज द स्वर अकॉर्डिंग टू अवर नीड, और कौन से स्वर में हमें क्या। इनफैक्ट पता है किसी को प्रेगनेंसी में हम कहते हैं ना लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो उस वक्त भी अगर आप अपने स्वरों को कंट्रोल करते हैं तो ड्यूरिंग योर सेक्सुअल इंटरकोर्स आप लड़का और लड़की भी अपने स्वर की सहायता से कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली जेंट्स और लेडीज के स्वर को देख के उस वक्त अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, तो हमारा लड़का और लड़की होना भी डिपेंड करता है स्वर पे। ट्रैवल कर रहे हैं आप तो कौन से स्वर में आपको ट्रैवल करना है कि आपका ट्रैवल स्मूथ हो। अगर आप फ्लैट देखने गए हैं तो ये फ्लैट आपके लिए फेवरेबल, आपको फ्लैट बड़ा पसंद आया, लेकिन ये फ्लैट आपको लेना है कि नहीं, ये फ्लैट आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं, आपको कैसे पता चले? आप अपनी स्वरों से इसको पकड़ सकते हैं। कई बार होता है ना, हमने पैसा दे दिया, टोकन मनी दे दिया, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हम फंस गए, या हमारा पेपर वर्क नहीं हुआ, या वो डीलर गलत है, हमारे पैसे फंस गए, तो उस वक्त लगता है यार पहले पता होता तो इस झमेले में फंसना ही नहीं।
तो अगर हम अपने स्वरों को चेक करें तो हमें इंडिकेशन मिलता है वेदर वी शुड गो फॉर दिस डील और नॉट. अवर स्वर गिव अस एन इंडिकेशन. कीर्ति जी, मेरा एक क्वेश्चन है. कीर्ति जी, जैसे आपने बोला ना सुबह उठते में स्वर जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा डे जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. हम तो उठ गए तो उस समय तो हमारा स्वर ने डिसाइड कर दिया. अगर हम नेगेटिव में उठ गए तो वो तो डिसाइड हो गया, तो हम उस समय चेंज करेंगे तो फिर वो हम बताएंगे कि अगर हम जिस स्वर में उठे हैं तो सुबह हम बिस्तर से उठेंगे उसी स्वर में जो उस दिन का स्वर है. Will tell you how to do it. जैसे संडे है, देखिए संडे, आज संडे है. संडे यानी सन का डे, यानी कि आज सूर्य स्वर में उठना था सबको, राइट? टुडे इज संडे. संडे यानी सूर्य का दिन, हम सब जानते हैं. तो आज सबको सूर्य स्वर में उठना था. अब आप सुबह उठे हैं, अब देख रहे हैं आपका चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है. तो वी विल टेल हाउ टू कन्वर्ट दैट चंद्र स्वर इनटू सूर्य स्वर ऑन संडे, कि आप सूर्य स्वर में ही अपना पहला पैर जमीन पे रखें. अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट है कि पहला पैर जो आप पहला पैर आपको जमीन पे रखना है वो उसके अकॉर्डिंग रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डे बनेगा. हम इसमें आप तिथि पहले देखते हैं या डे पहले देखते हैं? क्योंकि डे से पहले तिथि मैटर करती है और तिथि के अकॉर्डिंग तो चंद्र स्वर बनता है. आपको आता है? हाँ जी जी. देखिए ये अगर तिथि के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चंद्र स्वर है, संडे के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे क्योंकि तिथि ज्यादा मैटर करती है. कहते हम हमेशा यही कहते हैं, पहले हम तिथियों को देखते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए तिथियां कंफर्टेबल नहीं होती है. तो वो अगर तिथियों को नहीं भी फॉलो करते हैं, सिर्फ अगर डे वाइज भी स्वर्य को फॉलो कर लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल. कहते हैं ना, देखिए हम जितना ज्यादा चम्मच घी डालते जाएंगे वो उतना अच्छा होता जाएगा, हम जितनी शक्कर डालेंगे उतनी अच्छी होती है. तो अगर किसी के लिए तिथि डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी जो क्लासेस लिए लोगों को थोड़ा तिथि, यार कहते तिथि इतना याद नहीं रहता हमें, हमारे लिए तिथि फॉलो करना पॉसिबल नहीं है. तो फॉर देम इफ यू फॉलो द डेज ऑल्सो इट्स इक्वल. कीर्ति जी, पर मैंने रिजल्ट्स में बहुत फर्क देखा है दोनों में. होगा ही फर्क तो होगा ही. अगर डे पड़ जाता है तो मैम आपका नाम? मेरा नाम निशु है. हाँ निशु जी, देखिए तो है ही ना, देखिए किसी के साथ अगर डे पड़ जाता है तो मैटर करता है कि डे फॉलो करा जाता है. बट अगर हम तिथि नहीं देखकर अगर खाली डे फॉलो करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है. मैंने ये भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने फील किया है. इवन बीमारी, तकलीफ, कोई भी एक्सीडेंट्स या लाइफ में कोई भी घटना घटनी है तो अगर हमने तिथि को फॉलो नहीं किया तो वो इफेक्ट आता है. खाली डे मैटर नहीं करता है मैम. डेज देखिए, डेज से भी बहुत फायदा, हम तो बता ही रहे, हम अपने कोर्स में तिथि भी बताएंगे. अब ये लोगों के ऊपर मैटर करता है आप कितना ज्यादा फॉलो करते. हम बताएंगे सब कुछ, अब ये लोगों पर डिपेंड करता है निशी जी कि उन लोग क्या क्या फॉलो करते हैं. जी मैम, हम तिथि भी बताएंगे. गिवन आर का कोर्स है? जी, वन आर का कोर्स है, सिक्स डेज. कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? हम और हम लोग इसमें पूरा वो भी आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे. ओके, फी स्ट्रक्चर क्या है मैम? फी स्ट्रक्चर अभी हम शेयर कर ले रहे हैं सब कुछ. ठीक है मैम, थैंक यू. थैंक यू. यू आर वेरी कन्विंसिंग व्हेन यू से दैट तिथिस आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर अ लेमैन लाइक मी. सो आई नो फॉर मेनी पीपल साउंड बेसिस. मैंने देखा है ना मिस्टर चटर्जी, मैंने देखा है तिथि जनरली जो थोड़े एल्डर पीपल होते हैं ना दे फॉलो. यंगस्टर्स डोंट फॉलो द तिथि, दे से हमें ना समझ में आती है तिथि ना हम फॉलो. यस दैट इज द पॉइंट एक्चुअली. तो हम लोग बताते जरूर है, तिथि इज डिफिकल्ट टू हैंडल. हाँ, तिथि हम बताते जरूर है, लेकिन अब आपको वो फॉलो करना है कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड. राइट अब देखिए मैथ्स में जब हमने पढ़ा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा कितने कुछ सीखे हैं, लेकिन हर कोई हर कुछ यूज नहीं करता है, राइट? तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीजों को यूज करते हो. तो यहाँ भी हमारा ड्यूटी है सब कुछ बताना. वी विल टेल यू एवरीथिंग, इट्स अप टू यू हाउ मच एंड हाउ डीप यू कैन डाइव इनटू इट. क्योंकि ये एक डीप साइंस है. डीप
आप मतलब इसमें कहते हैं ना दलदल, आप जितना कोशिश करोगे आप और डीप 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 जा सकते हो इसमें, ये बहुत कुछ है इसमें। तो ये एक साधना है, इनफैक्ट आई विल से अबाउट स्वर विज्ञान इट्स अ साधना, इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ साधना। और शायद मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरा स्वर शास्त्र आपको बता सकूं, शायद किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत डीप साइंस है। मैडम वन क्वेश्चन। यस यस मिस्टर चार्ल्स। मैडम आफ्टर लर्निंग द सब्जेक्ट फ्रॉम यू, इफ आई डोंट कंसल्ट एनी लिटरेचर, कैन आई विद यू द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय यू, कैन आई आल्सो स्टार्ट टीचिंग अदर्स? पहले खुद को महारत हासिल करनी है, बट यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम, बट पहले okay. आप अपने घर से मिस्टर सुषमा चैटर्जी स्टार्ट करिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स को करवाइए, व्हेन यू कैन सी यू कैन कन्वे प्रॉपरली। यस यस व्हाई नॉट, ओके ओके मैडम, ओके मैडम, थैंक यू। किसी से सीख के ही आपको सिखा रहे हैं, राइट? रियली, लेकिन मैं सिर्फ आपका नॉलेज ही लूंगा, पढ़ूंगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा। नहीं, पढ़ना होगा हर चीज में, थोड़ा रिसर्च हमारी भी जरूरत होती है। हम आपको डिटेल नॉलेज देंगे, हम आपको लिखाएंगे भी कुछ कुछ, लेकिन उसके साथ हम आपको एक अमेजिंग बुक की पीडीएफ भी देंगे। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार भावेश जी। सबसे पहले जो भी आप बोल दे, ज्ञान बोल दे, प्रकाश बोल दे, परमात्मा का आशीर्वाद बोल दे, जो आपके अंदर से हमें मिल रहा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, हृदय पूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ। और काफी सुना है स्वर विज्ञान के बारे में, और ये काफी डीप साइंस भी है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे लाइफ के ऑलमोस्ट, हम जो कोर्स आप जो आपके पास से सीखेंगे उसमें लाइफ के ऑलमोस्ट हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल तीनों ही फैक्टर कवर हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों ही। हालांकि स्पिरिचुअल तो डिफरेंट अलग बात हो गई है, नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल भी हमारा कवर होगा। जो हमने सुषमना की बात की ना भावे जी स्टार्टिंग में, कि सुषमना में हमें कुछ नहीं अच्छा काम करना है, सुषमना में हमें जो करना है वो है मेडिटेशन और पूजा। ओके, कहते हैं जब हम सुषमना में मेडिटेशन या पूजा करते हैं तो हमें उसका 100 times रिजल्ट ज्यादा मिलता है। ओके, अगर आप मेडिटेशन करते हो और अगर आप सुषमना में मेडिटेशन करते हो तब आप ज्यादा डीप जा सकते हो अपने मेडिटेशन में। तो क्या ये भी मेथड होती है? जाप करते हो, पाठ करते हो, सुषमना में करिए। तो मैम इसमें कोर्स में ये भी टेक्निक है कि जैसे कि हमें मेडिटेशन करने बैठना हो तो सुषुम्ना एक्टिवेट हम कर सकते हैं, या फिर जब आपको एक्टिवेट कर, सुषुम्ना आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, हम चंद्र और सूर्य को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जब आप चंद्र और सूर्य के ऊपर महारत हासिल कर लेते हैं ना, तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, पूजा करने बैठते हो, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी सुषुम्ना ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई। जो लोग डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, कभी आप अगर किसी को देखे हो मेडिटेशन कर रहा है, उस वक्त आप एक बार चुपके से जाके उसकी सांस देखिए, उसकी सुषुम्ना ऑटोमेटिकली इट विल ऑटोमेटिकली मेरे एक दादाजी थे जो अभी नहीं रहे, उन्होंने मुझे काफी रिकमेंडेड किया था स्वर विज्ञान के बारे में, और हालांकि वो बहुत मतलब अपना नाम बाहर देना नहीं चाहते थे, कोई भी मतलब लाइफ का प्रॉब्लम हो, किसी का इश्यू हो, हाथ में पानी रख के, हालांकि वे स्वर नॉलेज जानते थे, हाथ में पानी रख के उसको एक पानी दे देते थे और उसका काम हो जाता था। और वो मोस्टली तभी देते थे, सिर्फ वो वही प्रीफर करते थे कि अगर किसी प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी को बच्चा नहीं हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, बहुत पेन फील हो रहा है और कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन लग रही है, तो वो तब ही सिर्फ इस्तेमाल करते थे। तो क्या हम ऐसे, हालांकि काफी आगे की बात है, हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं इससे? जी नहीं, इसमें हम खुद को ही हील करना बताएंगे, ये हमारा तत्व ज्ञान है। आप जो बात कर रहे हैं ये तत्वों की बात है, जैसे जो 5 तत्व होते हैं वो 5 तत्व को हम स्वरों में भी यूज करते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तत्वों को इस ग्रुप में नहीं शेयर करूंगी, बिकॉज तत्व इज समथिंग वेरी डीप। मैं यहाँ किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, और मैंने जिनसे सीखा है मैंने उनको यही प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक मैं किसी को पर्सनली नहीं जानूंगी मैं तत्व का नॉलेज उनके साथ नहीं शेयर
कर सकती, बिकॉज जब हम तत्वों को यूज करना शुरू कर देते हैं तो हम मतलब सपोज करिए आज मेरा किसी के साथ अगर अफेयर था और आज उसकी किसी और से शादी हो गई, तो मैं स्वर विज्ञान में तत्व को यूज करके उस इंसान का घर तोड़ के अपने तक खींच सकती हूँ। मैं किसी का चाहूं तो कितना भी बुरा कर सकती हूँ, चाहूं तो कितना भी अच्छा कर सकती हूँ। तो दिस इज लाइक ब्लैक मैजिक। ओके, हाँ, इसीलिए क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि स्वर विज्ञान बहुत, स्वर में अगर हम तत्वों को यूज करते हैं तो वी कैन डू एनीथिंग। हम किसी को बिगाड़ सकते हैं, किसी को बना सकते हैं अपने स्वर की शक्ति द्वारा। तो दिस आई एम नॉट गोइंग टू टीच इन दिस कोर्स। नहीं, ये तो मुझे मालूम, आई डोंट नो एनीबॉडी पर्सनली कौन उसको कैसे आगे जाके यूज करेगा, है ना। नहीं, उतना डीप में सीखना भी नहीं है, इतना डीप हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम आपको इतना सक्षम जरूर कर देंगे कि आप अपने लाइफ में एक कंफर्टेबल चेंजेस ला सके, और आप जिनको जानते हैं आपके घर वालों के लाइफ में भी उनको ये सिखा के आप एक डिजायर चेंजेस ला सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर तत्वों का नॉलेज चाहिए तो आप में ऐसी पात्रता होनी चाहिए, बहुत मतलब एक साधना की ओर अगर आगे बढ़ना हो, साधना की ओर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हालांकि बात, हालांकि मुझे मालूम नहीं थी, वो आपने बोला तभी मुझे थोड़ा आइडिया आया। हालांकि हम जो पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें तत्वों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पढ़ते 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 आप में वो नॉलेज डीप होगा तो उस पीडीएफ के थ्रू भी आप उन तत्वों को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बिना गुरु के ये चीज के मैं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी आपने जो भी समझाया काफी अच्छा लगा, और मैं भी ज्वाइन कर लूंगा डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। तत्वों को हम बिना दीक्षा लिए, बिना एक संकल्प लिए आगे नहीं करना चाहिए। जी, कोई और कुछ क्वेश्चन है किसी का? सब सोचने में पड़ गए। जी हाँ, ये एक बहुत मैजिकल, बहुत डीप चीज है, इसको बहुत समझना है, बहुत समझना, और इसको समझना बहुत आसान है। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लोगे ना, तब आपको आश्चर्य होगा कि इतना ईजी है और हमें तो मालूम ही नहीं था। जी मूर्ति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। अच्छा से बहुत सिंपल वे में समझाए हैं। थैंक यू सर। स्वर विज्ञान माने स्वर जो है आर्ट होता है करके, लेकिन आप तीन का मेन ले लिए, बहुत अच्छी बात है। तीन को ही मेन लेना, बाकी को हमको उतना ऊपर जाने का कोई जरूरत नहीं है। जनरल वे ऑफ लाइफ में ये तीन ही स्वर पकड़ने से काफी है, इसमें बहुत सारे चीज मिल जाता है। थैंक यू, आई विल आल्सो जॉइनिंग विद यू। थैंक यू सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल। राज शर्मा नोस मी वेल, आई एम यू नो ऑल द रिसेंटली आई वाज ऑन टूर, अगेन आई विल गो ऑन टूर, so within this time I may join with you। सर आपको देख के बड़ा जोश आता है हमारे को, आज बड़े दिनों बाद आप आए, आई थिंक बाहर गए हुए थे, लेकिन हर कोर्स करते हैं। मैडम आपको बता दो, ये हमारे यंगेस्ट गाय हैं हमारे, और ओके हेलो सर, जबरदस्त एनर्जी है मिस्टर मूर्ति के अंदर, और काफी कोशिश भी की उन्होंने और प्रैक्टिस भी करते हैं, एक जज्बा होता है ना, और बिल्कुल जज्बा होता है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, बाकी चीजें हमसे काफी चीजें सीखी है उन्होंने, और मैं बहुत आपको देख के ना एक मेरे को बहुत ही एनर्जी फील आती है। चलिए मैडम ने शेयर कर दिया है। जी हम 18 मई से कोर्स को शुरू कर रहे हैं, ये हमारे मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा राजी, ये हमारी 6 दिन की कोर्स रहेगी, 6 दिन का कोर्स, मतलब आपने एक दिन और एक्स्ट्रा दे दिया इनको। अरे वाह जी जी, 6 दिन, 5 दिन में थोड़ा क्वेश्चन आंसर रह जाता है, तो हम 6 दिन की कोर्स लेंगे। ग्रेट ग्रेट, कल भी ऐसे हुआ, स्वानी जी ने 3 दिन का हमसे बात किया था और उन्होंने बोल दिया 5 दिन, वो भी देना जानती हैं, देने में इंटरेस्टेड रहती है, और आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह। राज जी हम जितना देंगे ना उतना मल्टीप्लाई होकर हम तक लौट के आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये 5 दिन नहीं, हम इसको 6 दिन की कार्यशाला करेंगे, एंड एनर्जी एक्सचेंज हम जैसे कि अध्यात्म राज का है कि हम मिनिमम रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो एनर्जी एक्सचेंज ओनली 950 रखी गई है, एंड ये 6 दिन की कोर्स है, शाम को 7 बजे से हम शुरू करेंगे। 7 से 8 है ना राज जी कोर्स? 7:30 है मैम। 7:30 आज का वेबिनार 7 बजे का था, 7:30 करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, स्टडीज के लिए? जी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। हम कहते हैं ना बच्चों बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा तो इतनी इतनी देर पढ़ रहा है उसे फिर भी याद नहीं होता, तो याद क्यों नहीं हो रहा? ही इज स्टडिंग इन अ रॉन्ग स्वर। पढ़ाई का स्वर है चंद्र स्वर। अगर बच्चा सूर्य स्वर में पढ़ेगा तो उसे कुछ याद नहीं होगा, चाहे वो कितने ही घंटे किताब लेके बैठा रहे। ऑलवेज आस्क योर चिल्ड्रन टू स्टडी इन अ सूर्य चंद्र स्वर। मैम उसको भी बच्चे को भी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी इसकी। सिर्फ इतना ही सिखा दीजिए राइट स्वर में खाना पीना पढ़ना, और बच्चे को क्या जरूरत है? इतना भी कर ले तो बहुत है। और ना बच्चे अगर जो बच्चे ना बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं ना कोई बच्चे पढ़ने में बहुत लीन हो जाते हैं, बहुत तन वो हो जाते हैं, डीप इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, उस वक्त देखिए उनको ऑटोमेटिकली चंद्र स्वर ही चलता है। जी हाँ जयेश जी, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो बच्चे बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हैं ना वो आप देखेंगे कि सच में उनका उस वक्त चंद्र स्वर चलना शुरू हो गया है। थैंक यू अनुपमा जी। राज सर, यस राज सर, यू हैव होस्टेड एन अमेजिंगली ब्रिलियंट टीचर। शी आई मीन मेक्स एवरीथिंग क्लियर। बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स आई हैड ओनली वन डाउट दैट आई डोंट डू मच ऑफ एक्सरसाइज, नो प्राणायाम, सो विल आई बी एबल टू हैंडल? बट नाउ शी हैज टोल्ड मी, शी हैज कन्विंस्ड मी दैट आई कैन हैंडल, so I am going ahead with her. Thank you, Mr. Chatterjee. I will give you classes in Bengali also. I can speak Bengali. Okay, I know your Calcutta board. I know you are used to in Calcutta. I know that. Bengali. Thank you. सकता है थोड़ा सा ध्यान देने से। yes. और भी मैं बचपन से बंगाली लोग से रहा है तो थोड़ा बहुत जान। So I think किसी का कोई question नहीं है। I try to answer the all the question to the best of my capability. Any doubt? किसी का कोई questions हो? छह दिन क्लास लेगी, बताई दिया क्या करना है कैसे करना है, मेन तो थोड़े चेंज करना है हम लोगों को। और उम्मीद है कि हम लोग ये आई थिंक परसों से स्टार्ट कर रहे हैं, बुधवार से ना, 18 तारीख से। हेलो 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 या I just wanted to ask whether we have to practice this daily, then only you get the results or something. Of course, you will have to practice it. Okay. Of course, देखिए practice क्या करना है? आपको पहले स्वर को देखना है कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है, फिर जिस स्वर में हम जो काम करने बोलेंगे एक दो दिन आपको उस हिसाब से काम करना है। राजी, एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट हुआ था। हमने जब लास्ट स्वर विज्ञान की क्लास ली थी तो हमने जब कहा था लिक्विड पीना है चंद्र स्वर में, तो एक लेडी ने मुझे कहा कि मेरी चाय सामने पड़ी थी, मेरा चंद्र स्वर चालू ही नहीं हो रहा था, मैं उसे देखती रही पूरी चाय ठंडी हो गई लेकिन मेरा चंद्र स्वर नहीं चालू हुआ। तो शायद शुरू में एक दो दिन आपके भी ऐसे आए लेकिन कुछ दिनों में आप महारत हासिल करेंगे। कुछ मुझे पानी पीने की आदत है, सुबह गर्म पानी पीता हूँ तो सूर्य देखो गर्म या चंद्र देखो, तो कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश करना है। देखिए नई नई चीजें सीखना है, जैसे अब मिस्टर मूर्ति को हम देख रहे हैं, मतलब जब आप जीवन में नई नई चीजें सीखते हो तो ये ना शर्त मत रखो कि ये चीज हमारे कहाँ काम आएगा। ये हमारे बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस माइंड फीड होता रहता है, और जब वो नॉलेज निकल के यूज होनी होती है ना, ठीक यूज होता है, वो अपने आप हमारा बॉडी उस नॉलेज को यूज कर लेता है। एंड जब हम सीखते हैं ना, रोज नया कुछ सीखते हैं, तो हम जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, वो है बोर होना। लोग कहते हैं ना यार बोर हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता बोर होने का समय कहाँ है। कितना कुछ है, गूगल बाबा सबके हाथ में, यूट्यूब सबके हाथ में, नई नई चीज। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे यहाँ आके कोर्स सीखिए, कितनी नया कुछ वही मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि नई चीजें सीखते रहते हैं तो लाइफ में आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन नई चीजें नहीं खत्म होगी। कहीं घर से बाहर निकलते हैं, स्वर लेके निकलते हैं ना, बहुत सक्सेस होता है। यस यस सर,
घर के बाहर पैर रखना है, कौन से स्वर में जाना है, ऑफिस का शटर आपको खोलना है कौन से स्वर में खोलना है, रुपए कौन से स्वर में देने हैं, कौन से स्वर में लेने हैं, एवरीथिंग स्वर विज्ञान. सो एनीबॉडी एल्स? नमस्कार. नमस्कार रघवेंद्र जी. मैडम, इट इज रियली अ वंडरफुल यू नो अ टॉपिक एंड I was very much interested in something like this, and thanks to Raji that you know, and both of you. Thank you, sir. I was just about to ask when can I make the payment. I was about to make it, but I just checked my swaras. It was in Sushumna, so I just kept quiet. So that is. So, आपका स्वर कह रहा है. Wait, think about it. Then yes, go yes, ahead. Yes. 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 Excellent. Thank you, sir. Thank you. और किसी और का कोई क्वेश्चन है? सुषमा स्वर चल रहा था जब वो क्वेश्चन किया. ग्रेट सेशन मैम, थैंक यू वेरी मच. और मैम वन लास्ट क्वेश्चन, कैन वी चेंज मींस सपोज द चंद्र स्वर इज गोइंग ऑन मींस वी वांटेड टू मेक इट द सन सूर्य वन. यस यू कैन चेंज इट. We can change. Yes. हाँ, okay, okay. वो तो करना ही है, वो तो सीखना ही है, नहीं तो आपको भूख लग रही है और आपका चंद्र चले जा रहा है. और एक स्वर जनरली हमारा एक से सवा घंटा चलता है, तो क्या आप सवा घंटा खाओगे? नहीं. We have to learn to change. Okay, okay. Thank you. बस आपसे, आप लोगों से यही गुजारिश है, जो भी कोर्स करेंगे ना, पहले प्रैक्टिस अपने ऊपर करें, तब लोगों को सिखाएं. बिकॉज कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं. मैंने जब क्रिस्टल्स यूज किए थे, अपने ऊपर खूब प्रैक्टिस की, जब अबंडेंस आई, फायदा हुआ, पैसा आया, नॉलेज आई, तब मैंने आगे लोगों को सिखाना शुरू किया. क्योंकि कॉन्फिडेंसली अगर आप सिखाते हो किसी को, आपको 10 क्वेश्चन पूछने वाले कितने भी आ जाए, आप उनको इजिली आंसर दे सकते हैं. देखिए, आपका कॉन्फिडेंस झलकता है उसमें जब आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं. आपने किताब से पढ़कर सीखकर लोगों को ज्ञान बांट दिया, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहां से जवाब दोगे? तो वो प्रैक्टिस से ही आएगी जब आपने उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखा है. जब तक हर कुछ एक टीचर नहीं सिखा सकता, हर कुछ एक किताब नहीं सिखा सकती, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको बहुत डीप तक पता चल जाता है जब तक आप अपने ऊपर उसको यूज करते हैं. तो कुछ दिन हमारे साथ, फिर कुछ दिन खुद के साथ समय बिताइए. आप इसमें महारत हासिल, तब आप अपने परिवार को, लोगों को बताना शुरू कीजिए, अपने फैमिली से, अपने नियर एंड डियर वन से शुरुआत कीजिए. आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा. मैडम. यस यस मिस्टर चटर्जी. मैडम मैडम, एक्चुअली मेरा एक क्लास 8 बजे से शुरू होता है, तो विल इट बी ओवर बाय 8? वी विल ट्राई टू, क्योंकि लास्ट में तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होते हैं ना. अच्छा अच्छा. तो जिनका अच्छा, कोई दूसरा क्लास है, देख के लीव. लास्ट का 10-15 मिनट अगर कुछ बचा रहेगा, आप रिकॉर्डिंग में देख लो. ओके 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 मैडम, दैट्स फाइन. ओके मिस्टर चटर्जी भी ज्ञान के बहुत, मतलब कहते हैं ना, हंग्री, भूखे हैं. एक भूखे वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ सॉरी आपके लिए, लेकिन आप भी मिस्टर मूर्ति की तरह ना सीखने में रहते हैं, कोई ना कोई क्लास चलती रहती है आपकी. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. मैडम की एक लाइन लगा दी अच्छे मैडम की, तो ये one more addition to it. Yes, yes, sir. मैं तो बहुत लकी हूँ, मानता हूँ अपने आप को, कि ऊपर वाले का, गॉड का ना, देवी माँ की कृपा है. एक के बाद एक जबरदस्त मैडम आ रही है. आपने इससे पहले कोर्स एक्यूप्रेशर का नहीं किया, वो भी एक फीमेल टीचर थी, और हाथ रहा है मेरे ऊपर देवी माँ का, कि अबंडेंस आ रही है ऊपर से मेरे पास. वेरी गुड. थैंक यू कृति. थैंक यू. जस्ट आफ्टर द क्लास आई एम रजिस्टरिंग. मिस्टर चटर्जी, हम लोग मिलते भी तभी है जब हमारा समय आता है. Yes, that is right. Every moment coincidence. Is इस जीवन में coincidence, संयोग बोलकर कुछ भी नहीं होता है. Yes, everything is divine plan. Yes, yes. मैं यही मानती हूँ कि हर कुछ plan होता है. I agree, madam. ऐसा नहीं है कि कृति जी मुझे ढूंढ रही थी या मैं कृति जी को ढूंढ रहा था. Fortunately कह सकते हैं, ये इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रही थी, इनको हमारा कोर्स मिल गया, इन्होंने मेरे यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब के थ्रू हम लोग मिले.
तो ये चीजें होती हैं कि जब समय आता है, ऊपर वाला कहता है ना अब आपका समय आ गया, आपका ये स्वर चल रहा है, अबंडेंस आ रही है, लो। मतलब बिल्कुल, मैंने अध्यात्म राज का पहले नाम भी नहीं सुना था, वेरी ऑनेस्टली। मैं क्रिस्टल के बारे में कुछ ढूंढ रही थी यूट्यूब में, यूट्यूब में ढूंढते ढूंढते राज जी का एक वीडियो आया, मैंने देखा, फिर मैंने देखा ये कोर्सेज लेते हैं, मैंने पहले तो सोचा इनका ऐसे ही यूट्यूब वीडियो, फिर मैंने जब इनका देखा एक दो फ्लायर की ये कोर्सेज लेते हैं, तो मैंने क्या मन में है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इनके नंबर पे एक मैसेज डाला कि आपके प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ क्लासेस लेना चाहूंगी। तो राज जी ने मुझे कहा अभी बहुत लंबी लाइन है, बहुत टीचर्स वेटिंग में हैं, लेट्स सी हम कब शुरू करते हैं, लेकिन शायद मेरा इनके साथ कोई कनेक्शन था और हम आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपका एनिमल टोटम बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, अभी भी लाइक कर रहे हैं, कि अभी भी डिमांड आ रही है कि नेक्स्ट बैच कब होगा, क्योंकि हमारा बैच रेगुलर नहीं होता पता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है जैसे मैडम ने बोला, बिल्कुल, हाँ। काफी सारे कोर्सेज और पढ़े हैं हमारे साथ में, तो कराएंगे एनिमल टोटम अगर आप लोग हैं सीखना चाहते हैं तो अगले महीने उम्मीद है हम लोग दोबारा रिपीट कराएं इसको। और आप लोगों को मैं जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और बहुत डिमांड आती थी क्रिस्टल, क्योंकि मेरी लाइफ जो स्टार्ट हुई है क्रिस्टल से ही हुई है, और पहला जो मैंने बैच लिया था क्रिस्टल का लिया था, अभी तक हम इसको व्हाट्सएप पे चला रहे थे और लोग डिमांड आ रही थी लाइव भी कराओ, तो अभी हमने इसको इस तरीके से मोल्ड कर दिया इस कोर्स को कि क्रिस्टल व्हाट्सएप के साथ साथ हम लाइव कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ मैं साथ में ना, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज मैं ग्रुप पे डाला, आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना, एक ऑफर दिया है मैंने, अब एक ऑफर है, जो फास्ट मूवर्स होंगे ना, जो फास्ट एक्शन लेंगे वो फायदे में रहेंगे, फायदे में तो सारे रहेंगे, लेकिन मनी वाइज एक ऑफर है, वो आप देखिएगा ग्रुप पे आपको मिलेगा, अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट ऑफर दिया हुआ है मिलेगा, और ज्ञान तो मिलना ही मिलना है, साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आप जिसने भी अगर क्रिस्टल कोर्स नहीं किया है अगर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, राइट एवरीबॉडी, एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट संडे। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट मैडम, गुड नाइट सर, गुड नाइट।